नमस्कार, मैं संतोष भगत। आप देख रहे हैं स्वतंत्र सागर न्यूज, आपका स्वागत है। वसई मानिकपुर पुलिस ने पकड़ा नकली पुलिस, आईडी कार्ड दिखाकर करता था ठगी। आज के समय में कई लोग बहुरुपयों की ठगी का शिकार होते नजर आते हैं। ऐसा ही एक मामला वसई मानिकपुर पुलिस थाने की हद में तब सामने आया जब मानिकपुर पुलिस ने एक बहुरुपयों जिसका नाम पोरस बताया जा रहा है उसको गिरफ्तार किया। आपको बता दें, हिरासत में लिया गया आरोपी अपने आप को पालघर पुलिस सेवा में सब इंस्पेक्टर बताकर फर्जी बनाए गए पालघर पुलिस के आईडी कार्ड की धौंस दिखाकर लोगों के साथ ठगी करता था। ऐसी ही ठगी के मामले में उस नकली पुलिस ने अपनी ही सहपाठी रही एक लड़की को ठगा। पुलिस इस मामले में गहन जाँच करने में जुट गई है। गौरतलब है कि यह आरोपी इतना शातिर है कि जिसने नामचीन लोगों के साथ अपनी तस्वीरें खिंचवाई है, जिसमें देश के जाने माने व्यवसायी रतन टाटा के साथ वसई विधायक हितेंद्र ठाकुर, क्षितिज ठाकुर शामिल है। यह आरोपी इन नामचीन हस्तियों के साथ खिंचवाई तस्वीर अपने सोशल मीडिया के जरिए फैलाकर लोगों को भ्रमित करता था। इस आरोपी द्वारा कई लोगों को ठगे जाने की पूरी संभावना है। पुलिस आरोपी की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। इस आरोपी को पकड़वाने में आरोपी की सहपाठी रह चुकी महिला प्रीति वैद्य ने बड़ी भूमिका निभाई एवं आरोपी जिस थाने का अधिकारी होने का रोब झाड़ता था उसी थाने के लॉकअप में पहुंचा दिया। स्वतंत्र सागर न्यूज के लिए संवाददाता यूसुफ अली की रिपोर्ट। धमकाया गया है। एक श्रीमती रत्नप्रभा वैद्य नाम के एक महिला है 70 साल के, उनसे एक जो आरोपी है पारेख जोखी करके, उन्होंने 2017 में ये महिला से 6.5 लाख रुपए और 12 तोला सोना लिया था, एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है करके ऐसा बता के, और बाद में उनको पुलिस का बोगस कार्ड भी दिखाया। ऐसा ये महिला का फिरियाद है, ये सब ऐसा करके ये लेडीज की महिला की चीटिंग किया है, ऐसा ही कंप्लेनेंट का कंप्लेंट है। सर, इसमें कितने सारे लोगों के, बहुत सारे लोगों को फंसाया गया है और उनके पास गन भी है ऐसा कहा जा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? इसके बारे में हम तहकीकात कर रहे हैं, ऐसा तहकीकात कर रहे हैं हम लोग, देखेंगे। आरोपी अरेस्ट किया है? हाँ, अरेस्ट किया है उसका। ये क्या पूरा मामला है, किस तरीके से आप लोगों को फंसाया गया है, क्या बताएंगे, और आरोपी का क्या नाम है? सर, ये आरोपी का नाम पोरस विराग जोकी है, जो मेरे स्कूल में था, हम क्लासमेट्स थे। तो ये हमको बताया कि ये म्यूनसिपालिटी का कॉन्ट्रैक्टर है, तो उसकी वजह से हमने पैसे इन्वेस्ट किए इसमें कि हम लोग को अच्छा मुनाफा मिलेगा, अच्छा प्रॉफिट, डबल प्रॉफिट मिलेगा जो इन्वेस्ट करेंगे। तो वैसे मैंने पैसे इन्वेस्ट किए 13,20,000, मेरी बहन ने 78,000 इन्वेस्ट किए हैं, मेरी मम्मी ने 6.5 लाख इन्वेस्ट किया और 12 तोला सोना लेकर गया है। ऐसे बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया है सर इसमें, किसी ने 25 किया है, किसी ने 11 किया है, 11 लाख, 25 लाख। आपने आप लोगों को पैसे दिए, क्या क्यों दिए थे पैसे, क्या बताएंगे? सर, यही अच्छा मुनाफा मिलेगा, डबल करके मिलेगा पैसा। क्यों आए, क्या बताएंगे? सर, क्योंकि इसने फ्रॉड किया है, झूठे पालघर PSI की आईडी बनाई है सर उसने, और उसने फ्रॉड दिखाया है, उसके पास बंदूक भी है। बंदूक की हम लोग जब उसको कन्फ्रंट किए तभी उसने हम लोग को बंदूक दिखाया। उसके घर पे हम लोग को पैसे लेने के लिए, मेरे को पैसे लेने के लिए बुलाया था मेरे को रात को 9:30-10 बजे के इसमें। तो उसने हम लोग को उसके साथ में पुलिस वाले भी बैठे थे, जैसे पाटनकर, गाईदोड़े और उसके कुछ दोस्त लोग थे, रंजीत राठौड़ ऐसे। तो उसके जो गुनहगार है, आरोपी है पोरस विराग जोखी, उसके हाथ में बंदूक था और उसने मुझे धमकाया कि अगर तू ये बात PSI फेक आईडी के बारे में या मेरे पैसों के बारे में किसी को बताएगी तो तुझे उठवाऊंगा। मैं अप्पा का आदमी हूँ और मैं हितेंद्र ठाकुर के साथ उठता बैठता हूँ, तो मैं तेरे को उठवा के तेरा रेप वेप करवा के कहाँ फेंक दूंगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा। अभी आप पुलिस स्टेशन में आए, पुलिस के तरफ से क्या कार्रवाई की गई? सर, उसको अरेस्ट किया गया है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी बहुत सारे लोग आ रहे हैं जिनके पैसे अटके, जिनको इसने धमकी दी है बंदूक। आप क्या चाहते हैं? सर, हम लोग को इंसाफ चाहिए। हमको धमकी भी मिल रही है, बहुत सारे पुलिस मतलब जो पाटनकर है वो हमको रास्ते पे धमकी दे रहा है सर कि केस से पीछे हट जाओ।